हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। से झेल रहे थे केवल लॉकडाउन के कारण 8800 रुपए का चालान स्कूटर थाने में बंद है। और बात करते हैं यहाँ पे आके सबनी पहलवानी दिखाते हैं, खादी वर्दी पहनकर अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं और यहाँ गुंडागिरी पुलिस कर रही है। हम को खुली चुनौती है, हम करेंगे मुकाबला इनका। विरोध की इस आवाज को आपने सुनी है, ये तल्ख शब्द किसके लिए है? उन्हीं के लिए है जिनकी यूपी में सरकार है, जिस पार्टी बीजेपी से ये आगरा से विधायक है पुरुषोत्तम खांडेलवाल, आज अपनी ही पार्टी बीजेपी की यूपी में मौजूद सरकार से भड़के हुए हैं। गुस्सा इतना कि खुलकर बोल रहे हैं, आगरा पुलिस को आड़े हाथों ले रहे हैं। इतनों से झेल रहे थे केवल लॉकडाउन के कारण 8800 रुपए का चालान स्कूटर थाने में बंद है। और बात करते हैं यहाँ पे आके सबनी पहलवानी दिखाते हैं, खादी वर्दी पहनकर अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं और यहाँ गुंडागिरी पुलिस कर रही है। हम को खुली चुनौती है, हम करेंगे मुकाबला इनका और जैसा चाहे वैसा करें। हमने इंदिरा गांधी का आपातकाल भी देखा है, उसका भी मुकाबला किया है। ये हमको दबा नहीं पाएंगे खाकी बल्दी में। देखता हूँ लट्ठ कितना चलता है यहाँ पर, और लट्ठ चलेगा सीधा मुकाबला होगा, कोई कमजोरी नहीं है यहाँ पे। जी हाँ, यूपी के आगरा से बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खांडेलवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खंडेलवाल ने लॉकडाउन में पुलिस जाति पर सवाल उठाए हैं। खंडेलवाल का आरोप है कि आगरा में पुलिस लॉकडाउन तोड़ने के नाम पर 8800 रुपए का चालान काट रही है। माननीय यही नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम पुलिस का मुकाबला करेंगे क्योंकि पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती और गुंडागर्दी कर रही है। अगर ये विरोध आगरा पुलिस के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है ये गुस्सा अपनी सरकार के खिलाफ भी है जिसकी अधीन आगरा पुलिस है। झेल रहे थे केवल लॉकडाउन के कारण 8800 रुपए का चालान स्कूटर थाने में बंद है। और बात करते हैं यहाँ पे आके सबनी पहलवानी दिखाते हैं, खादी वर्दी पहनकर अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं और यहाँ गुंडागिरी पुलिस कर रही है। हम को खुली चुनौती है, हम करेंगे मुकाबला इनका और जैसा चाहे वैसा करें। हमने इंदिरा गांधी का आपातकाल भी देखा है, उसका भी मुकाबला किया है। ये हमको दबा नहीं पाएंगे खाकी बल्दी में। देखता हूँ लट्ठ कितना चलता है यहाँ पर, और लट्ठ चलेगा सीधा मुकाबला होगा, कोई कमजोरी नहीं है यहाँ पे।